नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord 2 वर्सेस Xiaomi Mi 11X Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 6.26 इंच जबकि Mi 11X Pro में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 2.89 इंच जबकि Mi 11X Pro में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो OnePlus Nord 2 में 0.32 इंच जबकि Mi 11X Pro में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो OnePlus Nord 2 में 189 ग्राम्स जबकि Mi 11X Pro में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि OnePlus Nord 2 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो OnePlus Nord 2 में Fluid AMOLED जबकि Mi 11X Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 6.43 इंचेस जबकि Mi 11X Pro में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो OnePlus Nord 2 में 85.59% जबकि Mi 11X Pro में 85.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो OnePlus Nord 2 में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Mi 11X Pro में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 11X Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Mi 11X Pro की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Mi 11X Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो OnePlus Nord 2 में Mali G77MC9 जबकि Mi 11X Pro में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो OnePlus Nord 2 में MediaTek Dimensity 1200MT6893 और Mi 11X Pro में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी OnePlus Nord 2 में 4500 mAh जबकि Mi 11X Pro में 4520 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 2 कलर्स जबकि Mi 11X Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो OnePlus Nord 2 की 29,999 रुपीस जबकि Mi 11X Pro की 39,499 रुपीस प्राइस है, जो कि OnePlus Nord 2 से ज्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus Nord 2 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है,
जबकि बात करें Xiaomi Mi 11 X Pro की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OnePlus Nord 2 आगे है, मेन कैमरा में Mi 11 X Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Mi 11 X Pro आगे है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ7 है जो कि 31,990 रुपए में मिलता है, दूसरा OnePlus 9R है जो कि 39,999 रुपए में मिलता है, तीसरा Oppo Reno 6 है जो कि 31,890 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X है जो कि 29,890 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।